हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ट्री थ्योरम में द्वितीय प्रकार की समस्या को देखेंगे क्या होता है और उनके स्टेप्स को देखेंगे कैसे उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, हमारी जो दूसरी प्रकार की समस्या होती है इसमें हमें ट्री थ्योरम के माप जैसे हमारे फ्लैंज की चौड़ाई, उसकी गहराई, हमारे जो रिब होती है उसकी मोटाई, ठीक है, उसकी गहराई, ट्री थ्योरम के पूरा जितना सारे माप दे दी होती हैं, तथा इसमें हमें प्रतिरोधागुण दे रखे होते हैं, हमें एम भी दे दिया होता है, ठीक है। फिर इसमें हमें खंड में उत्पन्न प्रतिबल ज्ञात करना, सिग्मा सीबी और सिग्मा एसटी हमें इसमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो सिग्मा सीबी और सिग्मा एसटी ज्ञात होता है। हमने पिछले मैंने कई बार बताया अगर धारण भी हो या फिर ट्री थ्योरम कुछ भी अगर हो, अगर आपको सिग्मा सीबी और सिग्मा एसटी ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको वास्तविक प्रश्नों का स्थिति ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर आपको बंकन आघूर्ण ज्ञात करना, बंकन आघूर्ण ज्ञात करके फिर आपको प्रतिरोधी आघूर्ण से उनको तुलना कर लेना, वहां से हमें सिग्मा सीबी मान पता चलेगा और सिग्मा एसटी के लिए अलग फार्मूला उसको बताएंगे अभी आगे, ठीक है। जिस प्रकार से करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमें ट्री थ्योरम के लिए जो वास्तविक प्रश्नों का स्थिति होती है इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। तो वास्तविक प्रश्नों का जो हमारी स्थिति ज्ञात करने के लिए, देखिए, अगर प्रश्न रेखा क्रोम रिब में स्थित मानते हैं, ठीक है, अगर इसको हम रिब के अंदर मानते हैं तो जो हमारा फार्मूला होता है बी एफ इंटू डी एफ इंटू एक्स माइनस डी एफ बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, तो बी एफ इंटू डी एफ इंटू एक्स माइनस डी एफ बाई टू इज इक्वल टू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है। अगर देखिए, ये पहले हम इस फार्मूला लगाएंगे, अगर जो हमारे इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी, अगर इस डी एफ से फ्लेंस की गहराई से अगर हमारी कम आती है तो हम क्या करते हैं, इस सेकेंड वाले फार्मूले लगाते हैं, तो हमारे बल सुन रेखा क्या होगा, फ्लेंज के अंदर स्थित। डीएफ से कम होगा मतलब फ्लेंज के अंदर हमारा स्थित होगा, अगर डीएफ से बड़ा है मतलब वो रिब में स्थित है, रिब में स्थित। ये पहले फर्स्ट टाइम ये फार्मूला लगाते हैं, कम आता तो ये लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए, बल सुन किसी ज्ञात के लिए फ्लेंज में स्थित है, अगर यहाँ से फार्मूला हम लगाएंगे बी एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम एस टी इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है। तो इस पर ऐसे वाला फार्मूला लगाएंगे, जब यहाँ से पहले हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर इसमें देखिए हमारा अगर एक्स का मान इस डीएफ से कम आता है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर हमारा सेकंड स्टेप आता है, हमें बंकन आघूर्ण को प्रतिरोधी आघूर्ण से तुल्य मानते हैं। फिर बंकन आघूर्ण निकालना है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालेंगे कैसे, आपको भार दिया रहेगा उसके पार्ट की वैसे लंबाई आपको दे दे रहेगी, तो वहाँ से डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट करके आप वहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। फिर बंकन आघूर्ण एम और एम आर की हमें क्या करनी होती है, तुलना करनी होती है। तो देखिए, यहाँ एम आर बराबर जो हमारा फार्मूला होता है बी एफ इंटू डी एफ इंटू सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा डैश सी बी बाई टू इंटू डी माइनस वाई वन। देखिए, सिग्मा डैश सी बी का मान हमने कई बार आपको बताया, तो सिग्मा डैश सी बी बराबर हमारा जो फार्मूला होता है सिग्मा सी बी इंटू एक्स माइनस डी एफ बाई एक्स, ठीक है। और देखिए, यहाँ से वाई वन का भी हमने कई बार बताया आपको कि वाई वन बराबर जो हमारा फार्मूला होता है सिग्मा सी बी प्लस टू सिग्मा डैश सी बी अपान सिग्मा सी प्लस सिग्मा डैश सी बी इंटू डी एफ बाई थ्री, ठीक है। यहाँ देखिए, हमें सिग्मा सी बी का मान पता चल जाएगा, इस प्रकार से हम यहाँ से y1 निकाल लेते हैं, y1 का मान निकाल के अब यहाँ से देखिए जो हमारा मान है सिग्मा डैश सी बी का मान निकाल के इसमें पुट अप कर देंगे, तो देखिए इसका जो सिग्मा डैश सी बी का मान आएगा सिग्मा सी बी के रूप में आएगा, तो यहाँ से हम चूंकि एम आर के बराबर हम यम रखेंगे तो यहाँ से हमें सिग्मा सी बी का मान पता चल जाएगा, ठीक है। सिग्मा सी बी का मान पता चल जाएगा तो हमें एक मान पता चल गया, तो फिर यहाँ से हमें सिग्मा एस टी का मान ज्ञात करना होता है। सिग्मा एस टी का मान ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है एम सिग्मा सी बी अपान सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एक्स अपान डी माइनस एक्स, इस तरह से हम इसको भी निकाल लेते हैं, सिग्मा एसटी की मान निकाल लेते हैं। हमारा जो सेकंड टाइम का प्रॉब्लम है उसे हमें सिग्मा एसटी सिग्मा सी बी निकालना होता है, जो बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हो। तो हम अपने आप अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।